वेलकम बैक टू द चैनल होप करती हूँ आप लोग एकदम अच्छे से होंगे एकदम सेहतमंद होंगे आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना रिलैक्सिंग वीकेंड रूटीन शेयर करूंगी आई होप यू विल एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज है सैटरडे का दिन सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया था उसके बाद मैंने बच्चों को रेडी किया और आज ना वेदर बहुत अच्छा था तो हमें लगा कि बच्चों को सुबह सुबह पार्क लेके जाएं और दोनों ही बच्चे यहाँ पे स्विंग्स एंड स्लाइड पे इंजॉय कर रहे हैं एंड सिंस वेदर बहुत अच्छा था तो गोविंद के और भी फ्रेंड्स आ गए थे पार्क में तो सारे बच्चे मिलके पार्क में खेल रहे हैं मैं थोड़ी देर पार्क में रुकी हूँ उनके साथ उसके बाद बस बच्चों को डैडी के साथ छोड़ के मैं आ गई हूँ घर वापस क्योंकि मुझे लंच की तैयारी करनी थी और आज मैंने अपना हेयर वॉश किया था तो पहले सोचा बाल सूख गए हैं तो बालों को बांध लेती हूँ पोनी टेल में कोई मुझसे पूछ रहा था कि प्रिया आप हेयर फॉल के लिए क्या यूज़ करते हो तो ऐसा कोई स्पेशल हेयर केयर रूटीन नहीं है मेरा बट हाँ मैं घर में ही ना काफी सारी चीजें मिक्स करके एक हेयर ऑयल रेसिपी बनाती हूँ जो मुझे हेयर फॉल में काफी हेल्प करता है मैंने पोस्टमार्टम में भी वही हेयर ऑयल यूज किया था उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप वो हेयर ऑयल रेसिपी चेकआउट कर सकते हैं अभी जैसा कि मानसून सीजन चल रहा है ना तो इस मानसून सीजन में, में मेरा भी काफी ज्यादा हेयर फॉल होता है बिकॉज स्कैल्प में ना थोड़ा मॉइस्चर रहता है एंड हेयर टेंस टू फॉल इन दिस सीज़न तो ये एक दो महीने तो काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल मेरे को भी होता है बट हाँ वो हेयर ऑयल काफ़ी हेल्प करता है आप चेकआउट कर सकते हैं तो बस अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे अपनी पोनीटेल बना ली है अब हम चलते हैं किचन में और कुकिंग स्टार्ट करते हैं आज लंच में बनेगा पालक पनीर और मेरे पास ना ये बेबी स्पिनच का बॉक्स रखा हुआ था जो कॉस्को से आता है ये ना प्री वॉश रहता है तो इसको वॉश करने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है तो बस यहाँ पे मैंने पानी बॉइल करने के लिए रखा था अब मैं थोड़ा पालक ऐड करके इसको ब्लांच कर लूंगी एंड इन द मीन टाइम जो भी चीज़ें मुझे चॉप करनी है वो चॉप करूंगी और साथ साथ मेरी बात चल रही है घर पे तो

पाउडर और गरम मसाला वो मैंने ऐड किया है और अच्छे से मैंने दही को फेंट लिया है अब बस हम पालक पनीर का तड़का बनाने स्टार्ट करेंगे तो मैंने जो पालक थी वो ब्लांच कर लिया है उसको मैंने अलग से सेपरेट आउट कर लिया है घी में थोड़ा सा हींग जीरा ऐड करके जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली ऐड कर दिया है उसके बाद अनियन ऐड करूँगी अनियन में थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी और जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती ना बस तभी तक हमें कुक करना है क्योंकि अनियन ना अपना एक नेचुरल इनहेरेंट स्वीटनेस ऐड करेगी इस सब्जी में तो बस जब तक ट्रांसलूसेंट होना है तब तक ही हमें अनियन को कुक करना है उसके बाद हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे और जब आप दही ऐड करते हैं ना तो मेक श्योर करिएगा कि फ्लेम एकदम लो पे हो और आप चलाते चलाते दही को कुक करें एक बॉयल आने तक अदरवाइज़ ना दही कडल कर जाएगा और आपकी सब्जी का कलर और फ्लेवर एकदम खराब हो जाएगा तो बस यहाँ पे दही एक बार बॉयल हो गया है कुक हो गया है डलने के बाद सारे मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं उसके बाद जो हमने पालक को ब्लांच करके रखा था उसकी मैंने प्योरे बना ली है वो भी ऐड कर दूंगी और बस अब जो ये प्योरे है ज़्यादा देर कुक नहीं होगी जस्ट एक बॉयल आने तक मैं कुक करूंगी उसके बाद थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए और उसके बाद मैंने इसके अंदर पनीर ऐड कर दिया ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला और काला नमक जरूर ऐड करिएगा उससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पालक पनीर का एंड बस पालक पनीर रेडी हो गई है अगर आपके पास मलाई है तो आप इसमें दो तीन चम्मच मलाई ऐड कर सकते हो मलाई नहीं है तो हैवी क्रीम ऐड कर सकते हो एक दो चम्मच उससे भी काफ़ी अच्छी रिचनेस मिल जाती है सब्जी को और ये सब्जी मेरी फैमिली की एकदम फेवरेट है सबको बहुत अच्छी लगती है खाने में और साथ में मैं एवोकैडो की रोटी बनाऊँगी तो यहाँ पर मैंने दो एवोकैडल्स लिए हैं जिसके मैं फ्लैश को अच्छे से रिमूव कर लूँगी आटे में मिक्स करूँगी साथ में थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा फ्लैक्सी पाउडर ऐड करूँगी आप चाहो तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हो बट मैं नमक अवॉइड करती हूँ आटे में ऐड करना और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं केशु को कैसे फैमिली मील्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ अब मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे उसके लिए अलग से कुछ कुक ना करना पड़े जो भी मैं एज़ अ फैमिली सबके लिए कुक कर रही हूँ वो वही खाए तो थोड़ा सा ट्विक करके मैं उसको खिलाती हूँ इन अ मोमेंट शेयर करूंगी फिलहाल यहाँ पर मैंने आटा बना के रख दिया है राइस बॉईल करने के लिए रख रही हूँ बिकॉज अभी केशु रोटी नहीं खा पाता है उसको राइस खाना ज्यादा पसंद है तो मैं उसके लिए राइस बना रही हूँ तो यहाँ पे बोल में मैंने पालक पनीर ले लिया है थोड़ी सी ग्रेवी ज्यादा ली थी एक दो पीसेस इसके अंदर मैंने पनीर के भी ऐड कर लिए थे थोड़ा सा राइस ऐड किया अब स्पून से ही मैं इसको हल्का सा मैश कर लूंगी नाउ नाउसेंस हीस थर्टीन मंथ्स ऑलमोस्ट तो वो ना थोड़ा चंकी टेक्सचर हैंडल कर लेता है उसके दांत भी हैं ऑलमोस्ट एट टीथ उसके आ चुके हैं अब धीरे धीरे करके मैं उसको खिलाऊंगी और मैंने सब्जी एकदम स्पाइसी नहीं बनाई थी जिससे कि बच्चे आराम से खा लें जितनी जल्दी आप बच्चों को फैमिली मील्स इंट्रोड्यूस करते हो ना तो आपकी लाइफ काफ़ी हासिल फ्री हो जाती है एक तो बच्चे खाना सीख जाते हैं खाना सेकेंडली आपको अलग से उनके लिए कुछ कुक नहीं करना पड़ता जो भी आप एज अ फैमिली कुक कर रहे हो वो वही खा लेते हैं तो मैं किसी और वीडियो में डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं केशु को ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर में क्या खिलाती हूँ उसका रूटीन क्या है फिलहाल हमारा लंच हो गया है जो भी लेफ्ट ओवर फूड था वो मैंने फ्रिज में रख दिया है और हाथ की हाथ ना मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ जो भी बर्तन डिश वॉशर में जाने वाले होते हैं वो डिश वॉशर में डाल दिए हैं जो भी बड़े बर्तन है उनको मैंने वॉश करके रख दिया है मैंने ना कहीं पर पढ़ा था जितना क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड आप अपने घर को रखते हो ना उतना ही क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड आपका थॉट प्रोसेस आपका माइंड रहता है मेरे साथ तो ये काफ़ी एप्लीकेबल है जब मेरा घर नीट एंड क्लीन होता है मुझे काफ़ी पीस ऑफ माइंड रहता है कभी आप भी ट्राई करके देखिएगा तो बस यहाँ पे मैंने अपनी किचन वगैरह क्लीन कर दी है लंच का काम हो चुका है उसके बाद मैंने ट्राई किया कि दोनों बच्चे आफ्टरनून नैप कर लें बट इट सीम्स उनकी एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है उनको बिल्कुल सोने का मन नहीं था मैंने काफ़ी देर तक ट्राई किया बट दैन फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों को भी इंजॉय करने दो आज वेदर बहुत अच्छा है तो मैंने और अंचल ने डिसाइड किया कि हम लोग बाहर निकलते हैं थोड़ा ड्राइव भी हो जाएगा साथ ही साथ हमें कॉस्को पे जो भी वीकेंड की शॉपिंग होती है वो भी हम कर लेंगे और यहाँ पे गैस स्टेशन भी है तो गैस रिफिल कराना जो भी वीकेंड के काम होते हैं वो कर लेंगे फिलहाल मैं आप लोगों को अपना न्यू आईफोन दिखाती हूँ जो कि मुझे पॉपसी ब्रांड की तरफ से रिसीव हुआ है पॉपसी इज़ अ ब्रांड दैट सेल्स रिफर्बिश्ड आईफोन एट अ वेरी लेस प्राइस दे हैव अ टीम ऑफ हाई क्वालिटी प्रोफेशनल रिफर्बिशर्स ऑन देयर वेबसाइट यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम अ वाइड वेराइटी ऑफ मॉडल्स टू कलर्स टू मेमोरी साइज सो दे हैव अ ह्यूज रेंज फ्रॉम विच यू कैन सिलेक्ट यू गेट अ बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी एंड साथ ही साथ आपको थ्री मंथ्स की वारंटी भी मिलेगी

इसको ओपन करते हैं मुझे रिसीव हुआ है आई फ़ोन मैक्स इन गोल्ड कलर बहुत ही प्यारा ब्यूटिफुल कलर है तो ये देखिए ये है आई फोन है इसमें कोई भी मुझे स्क्रैचेज़ वगैरह नहीं दिखाई दिए एंड नाउ सिंस आई एम यूजिंग इट फॉर पास्ट टू वीक्स मुझे इसमें कोई भी फॉल्ट वगैरह भी नहीं नज़र आया इसके साथ चार्जिंग कॉर्ड भी मुझे रिसीव हुई एंड इसकी पिक्चर क्वालिटी वगैरह जो भी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आईफोन को सेटअप कर लिया है और अभी मैं आपको इन अ मोमेंट दिखाऊंगी इसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी तो उनकी वेबसाइट पे आप जाके ब्राउज कर सकते हैं डिस्काउंट कोड भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं तो चलिए अब मैं आप लोगों के साथ अपनी कॉस्को की शॉपिंग शेयर करती हूँ तो यहाँ पर मैं ओले बॉडी वॉश लेकर आई हूँ साथ में बन एपल्स लेने थे तो एप्पल्स लेकर आई हूँ और बच्चों के लिए मैंने ना ये ए टू ऑर्गेनिक होल मिल्क लिया है मैं ना गोविंद को ये वाला ही ए टू मिल्क पिलाती थी जब वो काफ़ी छोटा था तो अब मैंने सोचा कि दोनों बच्चों के लिए यही वाला मिल्क लेके जाती हूँ तो मैंने दो कार्टन इसके लिए हैं साथ में जूसेस लिए हैं क्योंकि समर टाइम है और आइसक्रीम ली है पहले मैंने ना हेगन डाज की आइसक्रीम उठाई थी बट फिर गोविंद ने बोला कि उसे कौन वाली आइसक्रीम चाहिए एंड इस पर आज डील भी चल रही थी तो मैंने ये वाली आइसक्रीम ले ली है साथ में मैंने विनेगर लिया है मैं इसको क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ तो काफ़ी बड़ी पैकेजिंग में आ गया है और वाटर और अभी मैं आपको दिखाऊँगी ये ए टू ऑर्गेनिक होल मिल्क काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है अब तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ बच्चों के लिए इस टाइप से इसमें टेट्रा पैक्स निकले हैं तो मैंने दो कार्ट लिए थे ये अराउंड वन एंड हाफ़ गैलन का वन था तो बस अभी मैं सामान जो भी लेकर आई थी कॉस्को से हाँ मैंने अनियन भी लिया था वो शायद मैं दिखाना भूल गई एग्स लिए थे वो भी मैंने शायद फ्रिज में रख दिए थे तो बस अभी मैंने सामान रखना स्टार्ट किया उसके बाद डिनर में आज सबका मन था कि पास्ता खाया जाए क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं हमने अपने घर का अंशुल के हाथ का बना पास्ता नहीं खाया है और हम उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं तो बस वीकेंड था तो हमने अलग से पास्ता बना लिया है जो भी लेफ्ट ओवर फूड है वो हम कल यूज कर लेंगे एंड ये पास्ता हमारा बहुत ज्यादा फेवरेट है बहुत टाइम हो गया था खाए हुए और बस डिनर करने के बाद अब वापस से बारी आ गई है इंडिया में बात करने की तो बात करा रहे हैं घर पे बच्चे भी घर वालों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं दादी दादा नानी नाना और भी और वहाँ पे भी सब लोग बच्चों को बहुत मिस कर रहे हैं तो बस अब बात करेंगे उसके बाद थोड़ी देर हम बैठे थोड़ी देर टीवी वगैरह देख रहे थे अब टाइम है बच्चों को दूध देने का तो मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं ये ए टू ऑर्गेनिक होल मिल्क ही बहुत अच्छी क्वालिटी का है इसकी चाय भी हमने बना के देखी काफ़ी अच्छी थिक चाय बनती है तो आप भी अपने बच्चों के लिए अपने लिए ट्राई कर सकते हो फिलहाल हम लोग अपने लिए तो ये वाला मिल्क नहीं लेकर आते एडल्ट इतना ले एक्स्ट्रा। बट हाँ बच्चों के लिए काफी अच्छा मिल्क मुझे लगा तो यहाँ पे हमने थोड़े गाने वगैरह लगा लिए हैं वीकेंड है तो चिल मोड है अभी मैं बच्चों को थोड़ा दूध वगैरह दूंगी हम लोगों ने भी दूध पिया उसके बाद बस बच्चों का नाइट टाइम रूटीन स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये लोग दिन में नहीं सोए हैं ना तो अब रात में इनको जल्दी बेड में डाल दूंगी अराउंड एट थर्टी नाइन ओ क्लॉक थोड़ी देर बैठ के गाने वगैरह सुनेंगे उसके बाद बच्चों को ऊपर लेके जाएंगे और ये देखो केशु आराम से स्टेस चढ़ लेता है हम लोगों ने ना नीचे एक गेट लगा दिया है जिससे कि वो अपने आप ऊपर ना चढ़ जाए क्योंकि अदरवाइज ना बहुत स्केरी हो जाता है बार बार वो ऊपर चला जाएगा अपने से मुझे काफी उसका ध्यान रखना पड़ेगा सो so, ऑलरेडी हमने काफी बेबी प्रूफिंग घर में कर दी है तो बस अभी मैं केशु को ब्रश कराऊंगी उसके बाद मसाज करूंगी एंड देन बोथ माई किड्स विल गो टू स्लीप आज की वीडियो के लिए इतना ही था होप करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा शेयर करिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं आपको मिलती हूं एक और नई वीडियो में तब तक के लिए आप बहुत सारा खुश रहिए मुस्कुराते रहिए टेक केयर बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस